चलो ध्यान से देखना बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड गिवन टू यू. द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स दैट कैलकुलेट्स द वर्क डन. पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में वर्क फर्स्ट हमें क्या बोलता है कि वर्क डन कैलकुलेट करो जब चार्ज कितना हो 5 कूलम और जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 220 वोल्ट. ठीक है ना? तो हमें पता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन माय चार्ज. देयरफॉर वर्क डन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो मुझे क्वेश्चन में पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और चार्ज कितना दिया हुआ है 5 कूलम. तो ये हो जाएगा 1100. जूल्स. ओके क्वेश्चन नंबर टू. जब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि वी निकालना है. ठीक है ना? जब वर्क डन कितना है 300 जूल्स और चार्ज है 2 कूलम्स, तो पोटेंशियल क्या होगा? 300 अपॉन में टू दैट इज 150 वोल्ट. इज इट क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस तो V2 क्या बेटा? माइनस चलो मूविंग ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन. द बेटा हेलो दी, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज. दी पोटेंशियल डिफरेंस तो V2 - V1 होता है ना, हाँ बच्चा, तो ये आपने इसमें वर्क डन अपॉन चार्ज क्यों लिया? मतलब देख बेटा क्या होता है. सिंपल से लॉजिक है. चलो कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय. बेटा अपन लोग ने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज वी बी माइनस वी ए. बट व्हाट इज वी बी? वी बी वुड बी वर्क डन टिल बी माइनस वर्क डन टिल ए अपॉन में क्या क्यू. तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? वी ए बी अपॉन में क्यू लिख देते हैं. इज इट क्लियर बेटा? चलो मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर थ्री. मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर थ्री दैट रीड्स कैलकुलेट द करंट इफ 1.5 × 10 to the power 6 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 5 सेकेंड. तो हम लोग को क्यू का वैल्यू यानी कि चार्ज का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है? हम लोग को क्यू की वैल्यू दे के रखी है 1.5 × 10 की पावर 6 कूलम्स. ठीक है ना? और हमको टाइम दे कर रखा हुआ है कितना? 5 सेकेंड्स. हमको टाइम कितना देकर रखा हुआ है? 5 सेकेंड्स देकर रखा हुआ है. तो करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी दैट इज 1.5 × 10 की पावर 6 अपॉन में 5 दैट इज 0.3 × 10 to the power 6 एम्पियर. हमको फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? क्यू निकालना है. क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई. ठीक है? सो इन दैट केस गुंजन फोकस. ठीक है? इन दैट केस हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कितने देकर रखे हुए हैं. 1.6 × 10 to the power 25. E की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी कितनी होती है? 1.6 × 10 to the power 19. तो ये हो जाएगा कितना? 1.6 का स्क्वायर जितना मेरे ध्यान में है होता है 2.56 × 10 to the power 25 − 19. दैट इज 2.56 × 10 to the power 6 वोल्ट.
coolers? जब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से करंट फ्लो के डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वे इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो बहुत सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हमेशा क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होता है बेटा? बिकॉज नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जहां वो कम हो, जहां वो ज्यादा होते हैं वहां से वो कहाँ जाते हैं, जहां वो कम होते हैं। देयरफोर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं चाहती हूँ कि ए टू बी करंट हमेशा ही फ्लो होता रहे, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट रहे, यानी कि बी टू ए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, यस और नो? और अगर बी टू ए मुझे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कम होने चाहिए, करेक्ट? अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मुझे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, अगर मुझे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, तो मुझे ए और बी के बीच में हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो? और इसके लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो किसी सेल की या फिर किसी बैटरी की। क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है, यस और नो? तो इसका आंसर लिखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, इन ऑर्डर टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, वन शुड मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यूजिंग अ सेल और अ बैटरी।
तो जस भी चीज को चाहे ए ले सकता है, जिस भी चीज को चाहे बी ले सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर, बोलो, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलना है। एट अ गिवन टेम्परेचर बोलो, सभी लोग मुझे बोलते हुए दिखने चाहिए। एट अ गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। फिर से, इस डेफिनेशन में चार कंपोनेंट्स है। पहला, एट अ गिवन टेम्परेचर, पहला कंपोनेंट क्या है? एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। सेकंड कौन सा है? द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर। तीसरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, क्लियर है? तीर, जूजर, पलाश, राधिका, यशिका, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। बोलो, एट अ गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट, फिर से, एट अ गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या सबको याद हो गया? जिसे कोई डाउट नहीं है कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। रेस्ट वील कंटिन्यू टुमारो। क्या बोल रही है ना? 3 से 5 मिनट में। दी एक बार डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दिखा दो। हाँ बेटा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बुड्ढो दी आई रही 10 मिनट में। अगर एक काम कर, अगर तू बाहर जाए तो सक्षम को अंदर भेज दे, मम्मी ने जी बुला दी।